लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर द्वारा पेश किए जा रहे विशेष कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। आज के जनादेश की सुर्खियों में शामिल है, प्रदेश में पहले चरण में होने वाले बस्तर लोकसभा चुनाव के लिए अति संवेदनशील दंतेवाड़ा में 59 मतदान केंद्रों की होगी शिफ्टिंग, बेमेतरा में स्ट्रांग रूम का प्रेक्षक मनोज कुमार ने किया निरीक्षण और कोंडागांव में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। बस्तर लोकसभा के लिए पहले चरण में आगामी 11 अप्रैल को होने वाले मतदान के मद्देनजर सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दंतेवाड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि दंतेवाड़ा में 175 अति संवेदनशील, 80 संवेदनशील और 21 सामान्य मतदान केंद्र हैं। श्री वर्मा ने बताया कि इनमें से जिला प्रशासन ने 59 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील पाया है। इन मतदान केंद्रों को शिफ्ट करने का सुझाव चुनाव आयोग को भेजा गया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। अब दंतेवाड़ा के इन मतदान केंद्रों को शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हमारे द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को 59 मतदान केंद्रों को सुरक्षित स्थानों के शिफ्टिंग का प्रस्ताव भेजा गया था। वह प्रस्ताव कल ही हमें अनुमोदन होकर मिल गया है। तो जिन मतदान केंद्रों को शिफ्टिंग किया गया है, वहां के मतदाताओं को अधिक से अधिक आय, इस प्रकार से प्रचार प्रसार भी करेंगे और स्थानीय स्तर पर भी प्रयास करेंगे कि उनको आने में सहूलियत हो। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नदी पार बने मतदान केंद्र तक मतदाताओं को सुगमता से पहुंचाने के इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं। वहीं दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी मतदान केंद्रों में पर्याप्त सुविधा मुहैया कराई गई है। नदी के पार जो मतदान केंद्र शिफ्ट हुआ है, एक छिंदनार में हुआ है, दूसरा मूचनार है। तो छिन्नार के पास अभी नया पुल बन रहा है, तो वहाँ पे मिट्टी मुरुम का सड़क नदी में बना दिया गया है, तो वहाँ लोगों का आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मूचनार के पास भी है, वहाँ पर भी पानी अभी बहुत कम है, तो उसको लोग आराम से पार कर सकते हैं। और रही बात दिव्यांग मतदाताओं की, तो प्रत्येक मतदान केंद्र में व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। जिनको चलने फिरने में दिक्कत है, वैसे लोगों को व्हील चेयर के माध्यम से मतदान केंद्र तक लाए। श्री वर्मा ने बताया कि चुनाव के दौरान होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एहतियातन कदम उठाए गए हैं। क्षेत्र के शस्त्रधारियों से हथियार जमा करा लिए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों को छूट दी गई है। हर इलाके में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि मतदान दलों को मतदान केंद्रों तक सुरक्षित लाने ले जाने का काम कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए बेमेतरा में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक मनोज कुमार ने अवलोकन किया। गौरतलब है कि बेमेतरा के कृषि उपज मंडी परिसर में साझा बेमेतरा और नवागढ़ क्षेत्र के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है। प्रेक्षक ने इस स्ट्रांग रूम में मतगणना कक्ष, मतदान सामग्री वितरण और जमा कक्ष का मुआयना किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेडिंग की भी जानकारी ली। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी महादेव कावरे ने उन्हें चुनाव तैयारियों के बारे में जानकारी दी। वहीं श्री कावरे ने मतदान दलों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा बैठक की। श्री कावरे ने कहा कि सभी सेक्टर अधिकारी अपने सेक्टर के सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण कर वहां बिजली, पानी, शेड, फर्नीचर और दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप और व्हील चेयर आदि सभी आवश्यक व्यवस्था समय पूर्व सुनिश्चित करा लें। बैठक के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त पाम्पलेट और पोस्टर का अवलोकन किया गया, जिसे मतदान केंद्रों में प्रदर्शित किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि जिले में 23 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए 729 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान दलों के लिए पहले चरण का प्रशिक्षण हो चुका है। द्वितीय चरण का प्रशिक्षण जिला मुख्यालय में 9 से 12 अप्रैल के बीच किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करने निर्वाचन आयोग के निर्देश पर स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोंडागांव में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य शिविर, योग शिविर लगाए गए और साइकिल रैली तथा मैराथन दौड़ का आयोजन भी किया गया। एक नंबर।
थर्ड नाम लिखिए इसका, बढ़िया सत्यव्या। मैं संतोष साहू, उम्र 51 साल, मैं पूरे भारत में जितना भी मैराथन होता उसमें दौड़ चुका हूँ और आज कोंडा गांव जागरूकता मतदान जागरूकता के लिए दौड़ लगाया हूँ। कैसा लग रहा है इस दौड़ के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। और बाजार से होते हुए शीतला मंदिर तक हम लोगों ने दौड़ लगाया और हमारा मिशन है कि सभी घर घर से 11 अप्रैल सब लोग दौड़े और सब लोग स्वस्थ रहें। हमारा मिशन है स्वास्थ्य दिवस के लिए जागरूक रहें और सभी स्वास्थ्य क्रांति और देश को जो चुनाव देना है उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी लें। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर नीलकंठ टेकाम ने साइकिल रैली की अगुवाई की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने रैली के दौरान लोगों से बातचीत की और उन्हें मतदान के महत्व से परिचित कराया। बड़ा प्रजातंत्र हमारा भारत देश है और भारत देश मतदाताओं के मतदान पर निर्भर करता है। निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी के दबाव में आकर के, बिना किसी के प्रलोभन में आकर के आपको अपना मत का उपयोग करना है, जाकर के वोटिंग करना है। मैं सबसे ये अपील करे से कि सफाईजन जान भाती अपन अपन वोट के हुआ है और हम तो भारत देश फिर से एक बार कसन मजबूत हो दे। इन कार्यक्रमों के बाद कलेक्टर श्री टेकाम ने मीडिया को जिले में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। कुंडागांव शहर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए योगा और बाइक रैली और मैराथन का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी ये इस अभियान को चलाया गया। आज इस कार्यक्रम के साथ लगभग 10 किलोमीटर की एक यात्रा की गई है जिसमें शहर के विभिन्न वर्ग के लोगों से मुलाकात करके उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया है, मतदान करने के लिए उनको प्रेरित किया गया है। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। जोरदार तालियां, सभी ताली बजाएंगे। छठवां स्थान मने गए हैं उमेश कुमार नेताम, एक बार जोरदार तालियां इन दूसरे प्रतिभागियों के लिए। सारी वर्ग से जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका एक लौटे हैं ये मेघनाथ मरकाम जी, कर्मचारी वर्ग से। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के बेमचा गांव में ग्रामीण चुनाव को लेकर क्या राय रखते हैं, इसकी पड़ताल की हमारे संवाददाता निखिल सिंह ने। आइए देखते हैं ग्रामीणों से हुई बातचीत के अंश। इस वक्त हम महासमुंद की बेमचा ग्राम पंचायत में आ पहुंचे हैं। ये बेमचा ग्राम पंचायत है, कई मानों में खास है। खास इसलिए भी है कि ये पूरे जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है जनसंख्या के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, और उससे भी खास बात है कि ये ग्राम पंचायत बहुत जागरूक है। इसे नानाजी देशमुख गौरव ग्राम के सम्मान से नवाजा गया है और सबसे खास बात ये भी है कि छत्तीसगढ़ में इकलौता ऐसा गांव है जिसे ये सम्मान मिला है। लोग सामाजिक तौर पर बहुत जागरूक हैं, राजनीतिक तौर पर बहुत सक्रिय और जागरूक हैं। इन्हें पता है कि इनके अधिकार क्या हैं। ज्यादातर लोग यहाँ खेती किसानी करते हैं, धान की खेती करते हैं जिसके लिए छत्तीसगढ़ मशहूर भी है। जानने की कोशिश करते हैं इन किसानों से कि ये क्या कुछ सोचते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ इनके मुद्दे हैं। आपसे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट देने जाएंगे इस बार चुनाव में, खेती किसानी से जुड़े हुए क्या मुद्दे आप? मैं हमारे देश की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहूँगा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश के जो भी आज विकास हो रहा है सब पूरा देश किसानों के ऊपर टिका हुआ है और किसानों का जो उत्पादन होता है उसका उचित मूल्य मिले, समय पे खाद बीज सिंचाई के साधन उपलब्ध हो और सबसे बड़ी बात हमारी जो उत्पादन होता है उसका सही मूल्य मिले और हमारे उत्पादन को जितने भी उत्पादन होता है उसका खरीदी करे। तो आप बताइए। हम ये चाहते हैं कि किसान उत्पादन करता उसका एक एक दाना सरकार खरीदे। अच्छा। हाँ। यानी जो धान खरीदी होती है उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं है। हम उत्पादन करते हैं 25 से 30 क्विंटल एकड़ में, 15 क्विंटल खरीद रहा है तो बाकी धान को कहाँ बिचौलिया के पास बेचते हैं, पौने दाम में।
चलिए, औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है, इनकी ये मानना है कि धान की जो खरीदी पूरी हो। ऋण माफी को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा है जब से मैं यहाँ देख रहा हूँ, क्या कुछ आप कहते हैं, आप कितने संतुष्ट हैं, आपको क्या लगता है? सर, कांग्रेस सरकार यही मुद्दा को लेकर के छत्तीसगढ़ में अपना शासन पर बैठी है, तो उनका घोषणा पत्र में था कि हम सीट में बैठते ही 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, पर अभी तक के हम देख रहे हैं कि खाली जिला सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक दोनों के किसानों का ही कर्ज माफ हुआ है। तो क्या छत्तीसगढ़ में सिर्फ ग्रामीण बैंक और जिला सहकारी बैंक के ही किसान किसान है, अदर बैंक के जो लोन लिए हैं वो किसान नहीं है? अब तक के हमारे हिसाब से यदि कर्ज हम पूरा रूपेण माफ करेंगे कहती है सरकार, तो पूरे कमर्शियल बैंक का भी किसान को माफ होना चाहिए, जो अभी तक के नहीं हुआ है। तो किसानों के साथ ये छलावा है, भेदभाव है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर यही नीति रही तो कांग्रेस सरकार की बंठाधार हो जाएगी। चलिए, ये आपके आपका मानना है, आप क्या कहेंगे, क्या समस्याएं हैं और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप वोट देने जाएंगे? एक किसान के तौर पर आप क्या सोचते हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए आपको? सर, मैं डॉक्टर यादव हम जनकर बीएमचा। जी जी, बताइए बताइए। यहाँ मेन मुन हर खेत को, बीएमचा की जितने भी जमीन है, 3600 रकबा की गाँव है, और यहाँ हर खेत को पानी मिलना चाहिए। अब पानी कैसे मिलेगा? कुड़ार डैम जो है वो बड़ा डैम है, और कुड़ार बांध का पानी ये अपन परसदा बांध है वहाँ आना चाहिए, और अब ये रामसगर बांध है, यहाँ पे दो बांध है, यहाँ पर इमलीवाड़ से लगा हुआ, वहाँ भी आना चाहिए कुड़ार डैम का पानी, और उससे हमारा पूरा फसल और नीचे और समुदाय डायवर्सन तीनों को जोड़ दिया जाए। अपन को खरीफ का देते हैं 2500 रुपया, वो रबी फसल में भी 2500 रुपया किया जाए, और अभी मिलना चाहिए हमको। जून में बेचेंगे धान अभी, और जून में हमको 2500 रुपया में खरीदे बगैर सरकार, यानी कि रबी और खरीफ दोनों में 2500 रुपया हमको मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो, हर खेत को पानी मिले, उसके अलावा बिजली समय पे मिले, खाद पानी मिलता रहे किसानों को, और सबसे खास बात यह भी है एक जो निकल करके आई कि जो ऋण माफी है उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, वो समय पर पूरा हो। तो किसान यहाँ के चाहते हैं कि उन्हें जो खेती है वो निर्बाध रूप से करने को मिले, तो वो निश्चित तौर पर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा साबित कर सकेंगे। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, महासमुंद। जनादेश के आज के अंक में बस इतना ही। नई चुनावी गतिविधियों, जनता के नए मूड और चुनाव आयोग की नई मुहिम की खबरों को समेटे अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।